नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और हमारे रेसिपीज को आप इंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बेसन का मिश्रण, ये भर के भरवा हम लोग ये बैंगन आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। देखिए हमने इसमें अपना तिल का तेल लिया है, इसमें हम बेसन को एक बड़ा भर के चम्मच भूनेंगे और एक चम्मच और दिया, तो दो चम्मच हमने भर के भूजेंगे। ये चने का दाल का शुद्ध बेसन है। आजकल आप तो जानते हैं दोस्तों, बहुत मिलावट हो रही है, तो कोशिश करिए कि बढ़िया से बढ़िया हो। तो भगवान जी के लिए भोग में कलर देखिए क्या प्यारा आया है। एक्चुअली राजस्थानी रेसिपी है जो मारवाड़ में बहुत ही प्रिय हैं। वहाँ बेसन का उपयोग बहुत विशेष करके बहुत ही किया जाता है, भारी मात्रा में। ये शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, उनको आप तरह तरह के बना के आप उनको खिलाइए तो बहुत वो अंदर से खुश महसूस करेंगे। बेसन बहुत बढ़िया है। तो देखिए अब क्या क्या ऐड कर रहे हैं। आधा आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये अमचूर पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तो इसको हमने इसके साथ मिक्स करना है और ये थोड़ा आपको चटपटा रखना है। अगर हरी मिर्च डालना चाहें तो वो भी आप कुतर के डाल सकते हैं और हींग डालना चाहे तो डालिए, आप अपने स्वाद अनुसार इसमें आप डालिए। पर ये तो मुख्य जो मसाले हमने आपको दिखाए हैं। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर है। अब ये धीरे धीरे हम ये जो हमने जीरा लगाया है इसमें धीरे धीरे हल्के हाथ से आप भरिए, तो ये इसका दूसरा स्टेप है। ये हमने इसमें सरसों का तेल अब डाला और इसमें क्रैकल हो रहा है जीरा, और ये हमने धीरे से इसमें जस्ट मतलब हल्के हाथ से इसमें डाल दिया और ये अब फ्लेम तो हाई है। देखिए दो वीडियो छोटे बैंगन को लेके हमने आपसे शेयर किया था, एक तो मसाले वाले बिना बेसन के और एक इमली वाले, और ये तीसरा वीडियो है बैंगन है। ये इसका कलर देखिए, ये कुछ कालेपन में है, ऐसे बैंगन बढ़िया होते हैं टेस्ट में और सॉफ्ट हो जाते हैं, और जो थोड़े नीले टाइप के हैं वो थोड़े हार्ड रहते हैं। अब हमने सिम कर दी है और धीरे धीरे ये अपना 10 मिनट में करीब ये आपके सौते हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। विदेशी राज्यों में भी कंट्रीज में बहुत पसंद किया जाता है, एग प्लांट बोलते हैं इसको। तो अब हम इसका लिप लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स डिवोटीज देखिए क्या बढ़िया टेक्सचर और क्या कलर, और एकदम देखिए अब बढ़िया से जितना भी बेसन और मसाले सब एकदम बढ़िया से इसकी कोटिंग हो गई है अंदर बाहर, और एकदम आवाज़ देखिए कैसे आ रही है। तो हमारे ये बेसन वाले साबुत भरवा बैंगन तैयार है। चलिए अब अगली रेसिपी देखते हैं। इसमें हम ये ग्राउंड नट ऑयल डालेंगे, ये
छोटा टीस्पून दो टमाटो पेस्ट है और कर्ड है दही और घिसा हुआ अपना जिंजर और इसमें हमने एक टीस्पून जीरा डाला है तो ये क्रैकल हुआ ग्रेवी पहले हम बढ़िया से इसको सौते करेंगे घूमेंगे और ये देखिए ये हम लोग बिना फ्राई किए अपना पनीर ऐड करेंगे इसमें और ये कड़ी लीव्स है तो इसमें फ्लेवर के लिए हमने ये दिया और ये एक टीस्पून धनिया पाउडर आधा टीस्पून उससे भी कम देखिए सेंधा नमक और ये हल्दी पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हल्का सा शुगर आधा टीस्पून हमने ऐड खटास है इसमें बैलेंस हो जाएगा और दही में भी फ्रेंड्स थोड़ी सी खटास रहती है तो वो बैलेंस हो जाएगा तो चलिए अब ऐड करते हैं इसमें ये करीब 100 ग्राम अप्रॉक्स ये पनीर क्यूब्स हैं तो ये हमारा कढ़ाई पनीर है विद करी लीव्स वैसे तो पनीर की तो कम से कम मैं समझता हूँ 50-60 रेसिपीज़ हैं पनीर तो ये भी सब कवर करेंगे हम लोग तो अब आप देख सकते हैं कि अब इसमें कलर आ रहा है रोगन आ रहा है और ये थोड़ा सा हल्का सा हम इसमें वाटर ऐड करेंगे ताकि ये मसाले पक जाएं बढ़िया से केवल आपको 5 मिनट्स मैक्सिमम इसको आपको लिड से ढक के रखना है तो फ्रेंड्स अब हम लिड को ओपन करके देखते हैं एकदम बढ़िया एकदम इसका टेक्सचर आ गया है अब आपको हम चपाती बनाना दिखाते हैं और फिर भोग लगाते हैं गोपाल जी राधे 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 तो ये देखिए लोहे का तवा है ये करीब 1.5 किलो इसका वेट है तो काफ़ी हेवी है तो हेवी जो तवा आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए उसमें चपाती बहुत बढ़िया आपकी सिकाई होगी और जलेगी नहीं अगर आपका लाइट रहेगा तो जलती रहेगी लगता है फ्रेंड्स हमारा सिलेंडर एकदम कम होगी इसकी फ्लेम तो ख़त्म सा हो गया है चलिए एक चपाती दिखा के फिर नया सिलेंडर लगाते हैं तो अब हम पिंटा टोंग की हेल्प से देखिए इसको फुलाएंगे ऐसे बढ़िया से सिकाई करेंगे कच्चापन इसका नहीं रहने देंगे फिर उसमें घी लगाएंगे तो अब भोग लगाते हैं गोपाल जी को चलिए हमारे साथ तो आइए डिवोटीज और फ्रेंड्स करवाता हूँ आप सबको और ये देखिए ये जो हमने अभी रेसिपी शेयर की है आपसे इसका हमने भोग लगाया है गोपाला जी को और गुरु महाराज जी को आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर और शुभकामनाएं आपकी सदा हमें मिलती रहें तो हम अगले वीडियो तक आपसे दंडवत प्रणाम करते हैं डिव्यूटीज को देश विदेश में और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ राधे राधे।